रेलवे ने स्पेशल यात्री ट्रेन चलाकर लॉकडाउन में फंसे हुए यात्रियों को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कल यानी 12 मई से 15 ट्रेन्स नई दिल्ली से चलेंगी और इसमें सफर करने के लिए आज शाम 4 बजे से टिकट्स की बुकिंग भी की जा सकेगी। टिकट बुकिंग में बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन यात्रियों में ये कंफ्यूजन है कि किन स्टॉपेज पर ये ट्रेन रुकेगी। आपको बताते जाए कि किराया और टाइमिंग को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। रेलवे ने रविवार को हालांकि ये ट्रेन चलाने का ऐलान किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इसके बारे में जानकारी दी। वहीं रेलवे की तरफ से ये भी बताया गया कि ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर और इसके साथ में सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक चलने वाली है। यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें ये भी बताया गया कि ये एसी ट्रेन राजधानी के 15 रूट्स पर चलेगी और किराया भी सुपर फास्ट ट्रेन के जितना ही होगा, यानी कि जितना किराया राजधानी में लगता है उतना ही यहां पर लगेगा। हालांकि किराया कितना होगा इसके बारे में कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। भारतीय रेल एक बार फिर से पटरी पर आने जा रही है। जी हां, रेल मंत्रालय ने काफी लंबे वक्त से रुकी हुई रेल सेवा एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। देश की राजधानी दिल्ली से अलग अलग जगहों के लिए 15 ट्रेन चलाई जाएंगी। इस दौरान यात्रा करने के लिए आज शाम 4 बजे से टिकट्स की बुकिंग भी शुरू होने वाली है। बीते 51 दिन से शांत पड़ी छुक-छुक गाड़ी अब फिर से एक बार दौड़ेगी। जी हां, रेल मंत्रालय ने 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से रेलवे की बुकिंग स्टार्ट कर दी है। इसके साथ ही साथ 12 मई यानी कल से अब फिर से रेलगाड़ी दौड़ना शुरू करेगी। देश के पटना और इसके साथ साथ डिब्रूगढ़, अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल समेत करीब 15 जगहों के लिए ट्रेन चलेगी, जो कि लिमिटेड यात्रियों के साथ ही चलाई जाएगी। इसमें कुछ खास बातें हैं जो यात्रियों को ध्यान रखना काफी आवश्यक रहेगा। उसमें सबसे पहली चीज ये रहेगी कि यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन पर करीब 1 घंटा पहले पहुंचना होगा, जिससे कि उनकी मेडिकल जांच करवाई जा सके। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को भी इस बार अनिवार्य किया गया है। आपको बता दूं, कुछ खास चीजें और भी रहेंगी, जैसे ट्रेन में केवल एसी कोच रहेंगे। इसके साथ ही साथ यात्रियों को कंबल, तकिया वगैरह उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेन में पेंट्री कार भी अवेलेबल नहीं होगी। तो ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को इस समय कुछ बिंदुओं का बेहद ख्याल रखना होगा, जैसे खान पान की चीजों को साथ में लेकर निकलें। इसके साथ ही साथ मैं खास बातें और भी बताना चाहूंगा कि ट्रेन में केवल एसी कोच अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही कंफर्म टिकट पर ही आपको यात्रा करने को मिलेगी। साथ ही आपके साथ आए हुए किसी व्यक्ति को स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन सभी बिंदुओं को याद करके और ध्यान में रखकर ही ट्रेन में यात्रा करें। मैं कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर। चलिए, अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जो गति है वो धीरे धीरे जिंदगी की अब रफ्तार पकड़ने लगी है। 15 यात्री ट्रेन कल से शुरू होंगी, क्या इसका स्पष्ट जानकारी अभी तक मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल जयति, इस समय अगरतला, डिब्रूगढ़, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर समेत करीब 15 जगहों के लिए जो ट्रेन चलाई जाएगी, इसके अभी तक किराए को लेकर भी जानकारी प्राप्त हो पाई है। हालांकि इसमें यदि देखा जाए तो लोगों में एक उत्साह है इस ट्रेन को लेकर, क्योंकि जिन लोगों को किसी गंतव्य तक पहुंचना था, जिन्हें परेशानी हो रही थी, उनके लिए अब यह ट्रेन काफी कामगर रहेगी। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरह से एसी कोचेस रहेंगे और इनका जो किराया रहेगा वो राजधानी के लेवल का रहेगा। साथ ही साथ इसमें 55 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और जो दिव्यांग है, जिनके लिए कंसेशन मिलता था, वो किसी भी तरह का कंसेशन इस बार इनको नहीं मिलेगा। जी जयती ऋषभ, एक और चीज है, चूंकि शाम 4 बजे से ये जो बुकिंग्स है वो शुरू होने वाली है, कुछ ही अब घंटे का समय बचा है और कल से ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, तो लोगों में स्टॉपेज को लेकर भी काफी ज्यादा अभी असमंजस है, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए इसमें ये कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि स्टॉपेज अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ टाइमिंग का भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ट्रेन जैसे दिल्ली से चलकर जो ट्रेन अहमदाबाद जाएगी वो राजधानी जयपुर होकर गुजरेगी, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं किया गया है कि वो राजधानी जयपुर में रुकेगी या नहीं रुकेगी। हालांकि इसमें यह प्रश्न जरूर आया था कि कुछ स्टॉपेज पर ट्रेन रुकेगी जरूर, लेकिन अभी तक स्टॉपेज क्लियर नहीं किए गए हैं। जी ऋषभ, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ट्रेन सेवाएं अब चलने वाली है, तो सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन करने के लिए किस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई है?
बिल्कुल देखिए, गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन पर जो यात्री पहुंचेंगे उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा, उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही जो आरोग्य सेतु ऐप केंद्र ने जारी किया हुआ है उसका डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। और जो जो भी यात्री पहुंचेंगे, क्योंकि जो ट्रेन है उसमें 72 कुछ सीमित सीटें ही बुक करी जाएंगी, सभी सीटें बुक नहीं होंगी। जी जयतीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ।